वेलकम टू यू जी सी नेट अडाउटी फॉर सेवन आई एम प्रोफेसर रिश्वा रियापुरी इन दिस सेशन आई एम टू टल यू ऑल अबाउट दू जी सी नेट एग्जाम सोफ यू आर प्लानिंग टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च फेलो इन इंडिया दिस इज दीडियो फॉर यू सो स्टेट टिल देंड आइए आज के वीडियो में देखते हैं यू जी सी नेट एग्जाम क्या है तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन कौन सी बॉडी इसको कंडक्ट करवाती है द यू जी सी नेट एग्जाम वो एग्जामिनेशन है जो इंडिया में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है एस ए नेम सजेस्ट इट्स अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब इस पेपर को क्वालिफाई करके आप इंडिया की किसी भी स्टेट में किसी भी यूनियन टेरिटरी में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एक्सेट्रा यानी किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक लेक्चरार बनने के लिए ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपके पास होनी चाहिए

अब इस अब इस एग्जामिनेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हम इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं जैसे कि मैंने कहा यू नीड द यू जी सी नेट एग्जाम फॉर थ्री सेपरेट कैटेगोरीज ओनली टू अप्लाई फॉर पी एच डी देन टू क्वालिफाई एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर नेट एंड ऑल्सो पी एच डी एंड देन देर इज नेट जे आर एफ एंड पी एच डी सो दीज आर द्री कैटेगोरीज अंडर विच यू कैन अपलाई फॉर द यू जी सी नेट एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम द सेशन ऑफ ट्वेंटी अब इन तीनों ही कैटेगोरीज के लिए जी एलिजिबिलिटी विल बी दैट यू हैव टू हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रेकोगनाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया विद अ मिनिमम ऑफ 55 फाइव परसेंट सो फॉर द जनरल कैटेगॉरी द क्वालिफिकेशन इज 55 फाइव परसेंट एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरीज यू गैट लेफ़ फाइव ठीक है रिलैक्सेशन ऑफ फाइव नेक्स्ट आ जाता है इसमें वैलिडिटी का अगर वैलिडिटी की बात करें तो अगर आप यू जी सी नेट के स्कोर को यूज़ करके इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पी एच डी परस्यू करना चाहते हैं देन यू हैव टू डू इट विद इन द स्पैन ऑफ वन ईयर यानी फॉर एग्जाम्पल आपका रिजल्ट फर्स्ट जून ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को आता है देन बाई फर्स्ट जून ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव आई मस्ट एनरोल माई सेल्फ इन एनी पी एच डी कोर्स यूजिंग माई यू जी सी नेट स्कोर इफ़ यू विश टू अप्लाई एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर यानी यू वॉन्ट जस्ट नेट एन पी एच डी इन दैट केस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा यानी मान लीजिए आपने थर्टी ईयर्स के एज में नेट क्वालिफाई किया देन आप फिफ्टी ईयर्स की एज में भी उस सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं कॉलेज में अप्लाई करने के लिए एज अ लेक्चरार हाउ एवर पी एच डी के लिए आपको वन ईयर का विंडो ही प्रोवाइडेड होगा अब थर्ड कैटेगरी हमारी है जिसमें आपको जे का बेनिफिट मिलेगा यानी पी करने पे स्कॉलरशिप भी मिलेगा सो so, जे स्कॉलरशिप के लिए आपका मिनिमम टाइम पीरियड है थ्री ईयर्स का यानी अगर मैं फर्स्ट जून 2024 को अपना जे आर क्वालिफाई कर रही हूँ देन 2024 ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी के फर्स्ट जून तक में मुझे किसी यूनिवर्सिटी में पी में एडमिशन भी लेना है और जे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है वरना उसके बाद मेरा जे का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा पी के लिए वन ईयर एंड नेट के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी वो भी थर्ड केस में सिमिलर रहेगी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इन तीनों ही कैटेगरीज के लिए कोई सेपरेट एग्जाम नहीं देना है दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एग्जामिनेशन दैट इन अ सिंगल एग्जाम यू गेट द बेनिफिट ऑफ थ्री सेपरेट कैटेगरीज सो द एग्जाम पैटर्न इज एज सच यू विल बी आस वन फिफ्टी क्वेश्चन ओवर अ स्पैन ऑफ थ्री आवर्स ईच राइट आंसर विल कैरी टू मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर विल कैरी नो नेगेटिव मार्किंग सो यू विल भी कंपीटिंग अगेन्स थ्री हंड्रेड मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट आउट ऑफ दी थ्री हंड्रेड मार्क्स कंडक्ट कैलकुलेट की जाएगी नेट क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉप सिक्स परसेंट मेरिट में आना पड़ेगा जे आर एफ क्वालिफाई करने के लिए आपको सिक्स परसेंट के टॉप सिक्स परसेंट में आना पड़ेगा आप कुछ स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैम हमारे पास कितने अपॉर्चुनिटीज हैं नेट को क्वालिफाई करने के लिए पर ईयर इफ सेट एंड प्रिपेयर दैट अनलाइक मोस्ट अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स व्हिच कम ओनली वंस अ ईयर और मे बी लेसर देन दैट वी हैव द यूजीसी नेट एग्जाम व्हिच इज कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर यानी कि यूजीसी नेट गिव्स यू 6 मंथ्स का पीरियड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम फर्स्ट साइकिल ऑफ द ईयर इन दंथ ऑफ जून एंडलबर इसका मतलब आपके पास साल में दो दो मौके हैं अपने नेट या के सपने को पूरा करने का अगर एक अटैम्प्ट मिस भी हो जाता है या वो ट्रायल अटैम्प्ट की तरह दिया जा रहा है तो दूसरे अटैम्प्ट को आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं अब यहीं से हमारा अगला क्वेश्चन भी आता है कि अगर इस एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है आज से तो करें कैसे तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहला प्री रेकविजिट चाहिए होगा टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेबस एंड फॉर दैट आप यू जी सी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हैं अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की हमारी ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं वहाँ जाकर आप एग्जाम के सिलेबस को समझिए वंस यू हैव डन दैट नाउ यू मस्ट लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जहाँ से आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आएगा स यू हैव डन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ नाउ यू मस्ट सीक फॉर गाइडेंस एंड वाई डू आई से पाँच साल पहले तक चार साल पहले तक एग्जामिनेशन का लेवल भी इतना हाई नहीं था और ना ही बहुत सारे कैंडिडेट्स अपलाई करते थे विद एवरी पासिंग ईयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू दिस एग्जाम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड सो इज द कॉम्पिटिशन और उस कॉम्पिटिशन को देखते हुए यू नेट अपने एग्जाम्स का लेवल बहुत हाई रख रहा है

अक्रॉस यूट्यूब आपको मल्टीपल एजुकेटर्स एजुकेटर्सो गाइड्स चैनल्स मिल जाएंगे जो यूजीसी लिए आपको गाइड करेंगे सो so, एक गाइडेंस आप जरूर लीजिएगा बिकॉज आपका कॉम्पिटिटर भी वही कर रहा है आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशनल गाइडेंस सीख कर रहा है फ्री गाइडेंस सीख कर रहा है तो आप भी इस प्रोफेशनल फ्री गाइडेंस को जरूर सीख करें नेक्स्ट आ जाता है स्टडी मटेरियल। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आप लिमिटेड लेकिन रिलायबल स्टडी मटीरियल को अप्लाई करें अपनी प्रिपरेशन में राइट स्टडी मटेरियल को अप्लाई करने के फायदे बहुत सारे हैं आप टाइम किल नहीं करेंगे टाइम सेव करेंगे बहुत सारा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे अपनी तैयारी पर आप उसी राइट मटेरियल को बार बार रिवाइज करके उसमें परफेक्शन अचीव कर सकते हैं दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर दैट सेक हम अपने यूट्यूब चैनल पर फॉर बोथ दी एग्जाम्स पेपर वन एंड पेपर टू रेगुलर सेशंस लेते हैं जहाँ पर हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ काम करते हैं साथ ही साथ आटर ट्वेंटी फोर सेवन पब्लिकेशन की बुक्स भी आपको मिल जाती हैं ये बुक्स आपको हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट पर मिलेंगी इन बुक्स को भी आप यूज कर सकते हैं एज योर रिलायबल सोर्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू क्रिएट अ बिस्पोक स्केड्यूल फॉर योर सेल्फ दैट सूट्स यू दैट वर्क्स फॉर यू क्या मतलब है इस बात का कोई भी एग्जाम किसी भी स्टूडेंट के लिए अलग रिक्वायरमेंट और अलग नेसेसिटीज के साथ आएगा एक स्टूडेंट जो विदाउट बैकग्राउंड एग्जाम की तैयारी करता है उसको कंपैरिजन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक स्टूडेंट जो विद बैकग्राउंड विद प्रिपरेशन आता है उसको कंपैरेटिवली कम मेहनत करनी पड़ेगी कुछ स्टूडेंट्स की मेमोरी ज़्यादा होती है दूसरे स्टूडेंट से कुछ स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली बहुत टाइम रिवाइज करना पड़ता है किसी चीज़ को याद करने के लिए तो आपका टाइम टेबल क्या बनेगा आपको दिन में चार घंटे पढ़ना पड़ेगा या छः घंटे पढ़ना पड़ेगा ये आप खुद डिसाइड करेंगे इसके लिए एक बिस्पोक स्टडी स्केड्यूल जरूर बना लें एंड स्टिक टू इट work hard towards it you also have to practice regularly and revise your whole syllabus this is really important because agar ugc net aapko 6 months ka time period de raha hai ek syllabus ke liye wo syllabus actually 9 months long hai yani यानी अगर आप उसको बहुत ही आराम से करते हैं तो आपको नाइन to टेन months लग सकते हैं syllabus सिलेबस को पूरा करने के लिए लेकिन यूजीसी नेट एग्जाम कह रहे हैं नहीं आपको एवरी सिक्स मंथ्स वो एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो नाइन मंथ्स के सिलेबस को जब आपको सिक्स मंथ्स के पीरियड में कवर करना है इट बिकम्स क्वाइट इम्पेरेटिव टू रिवाइज योर सिलेबस, बिकॉज सिलेबस काफ़ी लेंदी है और क्वेश्चन का नेचर भी काफ़ी डेप्थ से पूछा जाता है इसीलिए ज़रूरत है कि रेगुलर बेसिस पर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें और सिलेबस को रिवाइज करते रहें फाइनली कीप

सो ये था ऑल अबाउट द यू जी सी नेट एग्जाम आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी अब अगर बात कर रहे हैं फ्री स्टडी मटीरियल और फ्री सेशंस की उसके लिए आपको इसी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी पेपर वन हो या पेपर टू आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से सारी तैयारी कर सकते हैं मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ ये हमारी कुछ वीडियो सेक्शंस हैं वीडियो <coughs> सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जो आपको स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगी कि सेशन को किस तरीके से प्लान किया जाए फॉर एग्जांपल बिगिनर्स गाइड फॉर पेपर वन कौन सा सेशन अटेम्प्ट करना बेहतर है पेपर वन पेपर टू में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें अस्सी मार्क्स पक्के पेपर वन में कैसे लेकर आएँ तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी वीडियोज हम अपने वीडियो सेक्शन में कवर करते हैं कंटेंट बेस्ड सेशंस आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएंगे सो so, सभी टीचर्स का एक टाइम अलॉटेड है इस टाइम पे हम आपको आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं अगर मैं पेपर टू की बात करूं तो पेपर टू में इस वक्त वी हैव ओवर थर्टीन सब्जेक्ट्स सो वी आर कवरिंग सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश हिंदी संस्कृत फिज़िकल एजुकेशन होम साइंस पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स कॉमर्स मैनेजमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज़ हिस्ट्री जोग्राफी एट्सेट्रा सो ये वेरियस सब्जेक्ट्स हम अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं अगर आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं फॉर योर नेट एग्ज़ाम या फिर आप जनरली पेपर वन की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप हमारे टीचर्स के मैंटॉर्स के गाइड्स के ये सेशंस रेगुलर बेसिस पे अटेंड कर सकते हैं कोशिश करें इन सेशन को लाइव ही अटेंड करेंगे गिवन टाइम पर बिकॉज देन यू कैन ऑल्सो लाइव इंटरेक्ट विद द टीचर एंड सेशन का टाइम कभी चेंज हो जाता है या फिर हो सकता है कभी एक्स्ट्रा सेशन लगा है जो आपको पता नहीं है कि लग गया है हो सकता है एक मैराथन सेशन लग जाए और आपने दो तीन दिन से चैनल नहीं चेक किया है तो ये आपको काफ़ी नुकसान में ले जाएगा आप वहाँ नुकसान में ना जाएं इसके लिए ज़रूरी है कि चैनल को देखो सब्सक्राइब करके रखिए सबसे पहला काम यही करना है कि चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि वो आपको फिर नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता रहेगा फॉर एवरी लाइव सेशन कोई भी सेशन जो स्टार्ट होने वाला है उसका लाइव नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा सो दैट यू नो कि आपके फेवरेट एजुकेटर्स की क्लासेस आप रेगुलर ऑन टाइम लाइव अटेंड कर रहे हैं बिकॉज अब जून में नया हमारा ये एग्जाम भी आने वाला है बिकॉज दी जून एग्जाम इज नियरिंग सो टीचर्स अपने यूट्यूब सेशन के फ्री स्टडी मटीरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं उस स्टडी मटीरियल को कैच करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप लाइव सेशन में अवेलेबल रहें तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ज़रूरी है साथ ही साथ हम बहुत सारी क्विज़ेस भी हमारी कम्युनिटी सेशन में लेते रहते हैं तो इन सभी चीज़ों का बेनिफिट के लिए आपको चैनल पर होना पड़ेगा एंड द बेस्ट पार्ट इज दट ऑल ऑफ दिस विल हैपन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं पे करना है ये सब यूट्यूब के ही फ्री प्लेटफॉर्म पर हो रहा है आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी ऐसी uh, और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करके रखें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन के अराउंड इसकी स्ट्रैटेजी के अराउंड अगर कोई भी आपका डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा थैंक यू